सफाई लोगों को नमस्ते। ये हमारी वड़ा पाव वाली दीदी, इनको तो सब जान ही गए कितनी फेमस हो गई है ये। ये आप सब लोग जानते हैं लॉली चाय वाले भैया, इन लोगों ने देखिए बिल गेट्स के साथ कोलैब किया। आप सोच सकते हैं बिल गेट्स इनके हाथ की चाय पी गया है, तो आप भैया को तो सब जानते ही हैं इनका नाम, तो उसमें कितना फेमस चीज स्टॉल है। देखो दीदी कितनी फेमस हो रही है, क्या बताएं। चलो ये तो हमारे बारे में कह रही है, बाकी ये खुद एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है अब तक। चलो लाखों लोग इनको जान रहे हैं, लाखों लोग इनके फैन हो गए हैं, क्या बताएं। चलो दीदी आप हमारे पास में आए, हम बहुत खुश हुए जान के। नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, हम लोगों का भाई बहन जैसा रिश्ता है, और कोई रिश्ता नहीं है हम लोगों का। हाँ प्लीज कुछ भी मत ले लेना, लोग जैसे लोग ले लेते हैं क्या करें, लोगों की सोची ऐसी है, बाकी हम भाई बहन ही हैं। और आप लोग इनको कहते हैं छपरी चाय वाला, छपरी चाय वाला, ये बिल्कुल छपरी नहीं है। आप सोच सकते हैं आप जो नल्ले बेरोजगार घर बैठे हो, आप लोग छपरी हो। चाय वाला कभी छपरी हो सकता है? मोदी जी को देखो, आज मोदी जी प्रधानमंत्री है और ये अपने हाथ की चाय बिल गेट्स को पिला के बैठे हैं। तो आप सोच सकते हैं आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा तरक्की हो रही है वो चाय वालों की ही हो रही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू, आपने सबको इतना सम्मान दिया। नहीं लोग तो कहाँ चाय वालों की दुकान कहाँ बैठू मानता, आप इतने बड़े स्टार हो के मेरी दुकान पे आके इतना अच्छा बोल रहे हो, मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। मुझे बड़ी खुशी हुई है जान करके कि आप इतने फेमस स्टार हो गए हो। वैसे देखो मैं रिवील तो नहीं करती, लेकिन आज बता देती हूँ, भैया मेरे रोल मॉडल है। मैंने सोचा जब ये चाय कर सकते हैं तो मैं भी कुछ ऐसा शुरू करती हूँ, तो मैंने फिर वड़ा पाव का सोचा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, नमस्कार।